तो सबसे पहले नमस्कार आप सभी को और गौरव दिवस की ढेर सारी बधाई। तो कैसे लग रहा है आज आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये पहली बार ले जा रहे हैं नेक्स्ट बॉक्स को कि पहले भी आपके घर में है? पहले भी पहले से भी है। अच्छा अच्छा, तो उनमें गौरव आ रही है अभी। तो सबसे पहले नमस्कार है और गौरव दिवस की ढेर सारी आप तो शुभकामना। तो आज जानिए गौरव दिवस सर, आप डब्बा भी ले जाना छो तो आप पहल दाल ले जाना छो डब्बा या पहल भी गरम छी? ना डब्बा पहल बार ले जाना छो। हाँ जी, लेकिन गौरव हमारे एक बहुत रंदी गौरव रंदी हमारे पेड़ पौधा ज्यादा छी ना। जी 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 जी, पेड़ पौधों में ज्यादा और भी छी बहुत सारा, और भी पक्षी वाला चिड़िया भी छी। जी 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 जी, और हमारे पड़ोसियों को लगाया छी पिछले साल का बहुत। ये खिबड़े कुकरी थी घर बड़े लिए उनके लगा रखे 9-10 डब्बे लगा रखे। उनका बड़ा घर है ना। अच्छा जी जी, सारा आ रखे बहुत सारे। तो आपने मतलब प्रेरणा ली पड़ोसियों से भी, कुकरी जी से भी कि मैंने भी चकलों को देती हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज है 20 मार्च और आज है विश्व गौरव दिवस, जिनको हमारी पहाड़ी भाषा में गिंडुड़ी या चकुली भी कहते हैं। वो कहीं ना कहीं आप भी महसूस करते होंगे कि वो आज विलुप्त के कगार पर है, यानी कि उनकी संख्या दिनों दिन जो है घटती जा रही है। और जो हमारे आसपास हमारे घरों पे एक चहचहाट करती थी, आज आज वो विलुप्त के कगार पर है। और ये है आभ्या। हेलो हेलो बोलो। हेलो हाय। तो दोस्तों आज है विश्व गौरव दिवस, जैसे कि आपको। तो दोस्तों आज उन गिंडलियों को, उन चकलियों को, उन गौरवों को बचाने का और उनके बारे में सोचने का एक दिवस है कि जो कभी अपनी मधुर मधुर आवाज से, अपनी चिचहाट से जो है हमारे घरों को जो है रौनक पैदा करती। तो आज मैं ले चल रहा हूँ आपको सीधे कोड़दार नींबू चौड़ के मंगलम प्लेस में, जहाँ पे चल रहा है गौरव संरक्षण और गौरव दिवस पर जो चर्चा कि कैसे हम उनका संवर्धन करें, कैसे उनका संरक्षण करें। इसके लिए मैं शिक्षक, एक पक्षी प्रेमी, पर्यावरणविद श्री दिनेश चंद्र कुकरी जी को भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ इस ब्लॉग के माध्यम से कि वो निरंतर 25 वर्षों से लगातार निशुल्क जो है चिड़ियों के घोंसले को बनाकर जो है लोगों को निःशुल्क वितरित कर रहे हैं और पर्यावरण के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। तो चलते हैं सीधे नींबू चौड़ कोड़दार, जहाँ पे चल रही है चर्चा कि कैसे उनको बचा सके। और ये भी हमारी गंडुड़ी है। चलो मिलते हैं दोस्तों डायरेक्ट वहीं। बाय बाय। घरों में ये काम तो करना चाहिए, लेकिन जे लार्ज स्केल पर, जे बहुत बड़ी स्केल पर प्रिय दिनेश कुकरी जी ये काम तो करना चाहिए, वास्तव में वो बधाई का पात्र छे। मैं देखो चाहे कि यदि आचरति श्रेष्ठा तत् तत् देवतर हो जना। जैसा जैसा हमारा बड़ा हमारे सामने आदर्श रखता है, वैसे वैसे छोटा उसका हुए पर हर बार गंडोड़ी अपना बच कर देगी। एक मतलब यार प्यार मक्का चुपना का चुपका बीच मेरे थे क्या पता मेरे को 3,000 रुपये चुपना हुई कि मेरी घनोड़ियों के जो जो यो बढ़िया बनाई पर करगन आ रहा वाला 3,000 रुपया ये म्यार परिवार का सदस्य में करगन आ रहा वाला पैसा कि ये बुढ़ा 3,000 रुपया खर्च कर दी है ना। तो जब तक कुछ हम प्यार में दूला इज्जत का बिट्टा पकड़ना चाहिए, वे मोबे एक मेहनत ही नीच वे मोबे एक अथा प्यार घनोड़ी प्रति अथा प्यार ये कारण पुनः एक बार आपका धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आपने बहुत सारे अपने जीवन के अनुभव और शिक्षा के क्षेत्र में लंबे समय से आपने अपना अनुभव आपके वक्तव्य में देखा।
जैसा कि आपने कहा कि उग्रदेव जी को शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि शिक्षक होने के नाते आप पर्यावरणविद भी हैं और हमारे शिक्षा के क्षेत्र में यानी शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार उत्तराखंड सरकार देती है, तो निश्चित रूप से इस ओर भी उग्रदेव जी को आवेदन करना चाहिए और हम सब लोग आपका समर्थन करेंगे कि आपको शैलेश मटियानी पुरस्कार उत्तराखंड सरकार जरूर आपको उस पुरस्कार से सम्मानित करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो इसके लिए बच्चे भी उसके साथ खेलते हैं, उसके पीछे पीछे छोटे बच्चे भागते हैं, तो हमने जो है बहुत बारीकी से बहुत नज़दीकी से इन चीज़ों को देखा है। तो कृपया इस मुहिम में आप योगदान करें, हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इस मंच से आह्वान किया गया है कि जिस प्रकार से हमारे गुरुद्वार में एक मनीषी श्री सुरेंद्र लाल आर्य जी को डॉक्टर की मान्यता उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है, ये गुरुद्वार के हमारे विभिन्न संगठनों की सेवा है, सेवा भाव है, उनके लगाव है, प्रेम के कारण। यहाँ पे बहुत बुद्धिजीवी मनीषी लोग हैं, शिक्षाविद लोग हैं और हमारे कुकरेती जी को भी पद्म भूषण से कम सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए। मैं भी अपने विभिन्न संगठनों के माध्यम से इसमें पहल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पंत जी, आपने बहुत ही शानदार और उपयोगी जानकारी और प्रकृति से जुड़ी हुई बातें हम सबके बीच में साझा की, और साथ ही गौरैया दिवस मना रहे हैं। मेरा गौरैयों से अलग तरह का नाता रहा है। वो गौरैया जो है हमारे प्रांगण में और बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा घोंसले बनाती थी, बहुत परेशानी होती थे। ये गौरैया जो है बहुत तंग करती हैं, तो उनको भगाने का ज़्यादा हमको दिमाग में था। तो काफ़ी दिन ये चला और उसके बाद कुकरेती जी से मुलाकात हुई कि ये जो है कि उनका बहुत ज़रूरी है, और वो भी विलुप्ति के कगार पे थे, लेकिन अब वो आना शुरू हो गए हैं, अक्सर दिखाई दे जाते हैं। बहुत दिनेश चंद्र कुकरेती जी को सम्मान और अधिक मिलना चाहिए, जैसे हमारे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने बोला लगा रखे हैं। तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी, आपका धन्यवाद करना चाहूँगी, और मैं बहुत ही अपने को गौरवानी होते हैं और दोनों पहियों को प्रॉपर चलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सभी आगंतुओं का अपने इस स्थान पे आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद भाई धर्मपाल जी का, बहुत ही अच्छा संचालन आप करते रहते हैं, आप भी एक अध्यापक हैं और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती गीता नेगी जी, और विशेष और बड़ा धन्यवाद तो आपका कि आपने दिनेश चंद्र कुकरेती जी का मनोबल बढ़ाने के लिए अपना शानदार तो वेडिंग पॉइंट ये पैलेस में व्यवस्था बनाई है। हम एक बार अपना दिल से आपका आभार व्यक्त करना चाहिए। हमारे बीच में उपस्थित है देहरादून इंद्र है, जो यहाँ से गुरुद्वार क्षेत्र के संवाददाता है श्री विमल ध्यानी जी हमारे बीच में उपस्थित है। मैं आपका बहुत बहुत आभार का काम करते हैं। यहाँ पे जितने भी महान भाव बहने भाई बैठे हैं, अपने स्तर से कुछ ना कुछ बचाने का कार्य कर रहे हैं। हम हैं, हम योग से जुड़े हैं तो अपने स्वास्थ्य को बचाने का काम कर रहे हैं, अपने जीवन को बचाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे भाई हैं शिवानंद लखेड़ा जी, वो अपनी संस्कृति को बचाने का कार्य कर रहे हैं, कुछ पेड़ पौधों को बचाने का कार्य करते हैं, कुछ जल को बचाने का कार्य करते हैं, कुछ अपने संस्कारों को बचाने का कार्य करते हैं, कुछ बच्चों को जो शिक्षक हैं वो बच्चों को अच्छी शिक्षा देने यानी कि उनको गलत राह से अच्छी राह पे ले जाने का कार्य करते हैं। तो बुरा करने वाले से अच्छा करने वाला महान होता है, मारने वाले से बचाने वाला महान होता है। तो सब अपने जीवन में अच्छा करते रहें तो सबके साथ अच्छा ही होगा। अच्छा करने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, ये तो मैंने देखा है, क्योंकि उसके लिए तप करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ करना पड़ता है। मूल निवासी का क्या हम वो है अच्छा जी करे घर पर बड़े हम दो तीन छंड अच्छा तो हर साल में कार्यक्रम हर साल में तो पहली बार आना अच्छा लगे चलो बढ़िया तो भाई।
ये डबल पहल दा लगने घर में ये पहल भी लगाए छे डबल लगाया छे नो में गोरे आया छे अच्छा बहुत बड़े बड़े बड़ा पहल दा अच्छा बड़ा पहल दा लगने अच्छा अच्छा तो पहले गुरुजी की घर बड़े लियो आपके माफी शक्ति पहल हम ना फिर बड़ा आज प्रोग्राम का लोन कुछ प्रेरणा वाला आप सभी को बधाई हो आप तक गौरव दिवस की बधाई बधाई नमस्कार सर नमस्कार नमस्कार सर नमस्कार आपको सबसे पहले गौरव दिवस की ढेर सारी बताइए आपने तो कैसा लग रहा सर ये डब्बा लेके इससे पहले लगा रखे अपने घर में लगाए लगा रखे तो गौरिया है उनमें रंजना रावत जी बहुत ही समाज सेवा में आपका अभूतपूर्व योगदान रहता है कोटद्वार क्षेत्र में और जय देवभूमि फाउंडेशन के आप एक संरक्षक के रूप में हमेशा विद्यमान रहते हैं तो मैं आमंत्रित करूंगा मंच पर कि आप अपने हाथों जय देवभूमि फाउंडेशन का जो सम्मान पत्र है उसे भी आप देने का कष्ट करेंगे रंजना रावत जी आप मंच पर आने का कष्ट करेंगे थोड़ा आगे जैसा कि आप सभी को विदित है कि यह एक बिल्कुल गैर राजनीतिक कार्यक्रम होता है इसमें हम लोग न तो किसी को मुख्य अतिथि बना पाते हैं और ना ही किसी को विशिष्ट और ना ही किसी को सामान्य क्योंकि आप सब हमारे लिए विशिष्ट हैं सब आप हमारे सम्मानित अतिथि हैं अभी तक इतनी गोरे आ नहीं रही एक बार सोचूंगा मैंने जो यहाँ पर सुनी कि कैसे गोरे को आश्रय दिया उससे प्राप्त होता है आपके अंदर हैप्पीनेस आती है पॉजिटिविटी आती है और ये सब चीज़ उससे लिंक है मैं बहुत विस्तार से इसमें नहीं बता सकता तो वो ऐसे मिलता है हमको तो सुखी रहोगे आपकी फैमिली उसी तरह से जिस तरह से चिड़ियाएँ फलती फूलती हैं उसी हिसाब से हमारी फैमिली भी फलती फूलती रहेगी और मैं अपना इसी बात को ज़्यादा विस्तार न करके आयोजक कमेटी खास करके जो तो यहाँ पर पूरी व्यवस्था चेयर का लगाना हमारे नेगी जी ने पूरी कर ली थी उन्होंने रखे हैं आपको किसी टाइप की डिप्रेशन करना चाहूंगा लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे कुकलेंद्र जी के हाथ सभी से अनुरोध करूंगा कि सब लोग थोड़ा सा 5 मिनट रुक जाए एक ग्रुप फोटो हो जाए कि ग्रुप फोटो में सब लोग नेक्स्ट बॉक्स पकड़ेंगे और कुकलेंद्र जी के साथ तो सबसे पहले नमस्कार आप सभी को और गौरव दिवस की ढेर सारी बधाई तो कैसे लग रहा है आज आपको बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है तो ये पहली बार ले जा रहे हैं नेक्स्ट बॉक्स को कि पहले भी आपके घर में है पहले से भी है अच्छा अच्छा तो उनमें गौरिया आ रही है अभी अच्छा बहुत दीदी तो हमारे क्षेत्र दीदी तो क्षेत्र पंचायत दीदी गांव में गाँव में लगे थी अच्छा अच्छा घर में नेचुरल है पर ये लगे हैं चार ये एक बार में छोड़ा हमारा डाला बूटा बिछाई छी तो हम बिछाई छी पचाना लगा रहे हैं आप घर हां हां बिल्कुल सही जी जी आपका हर साल में कार्यक्रम होगा बिल्कुल बिल्कुल आप करना चाहिए तो और गौरव थे बचाना और के कर दो जने घोसला लगा लियो एक बात और के कर सो दूसरी स्टेप क्या छ रोटी सब्जी देना तो बात बाजरा वगैरह ना बाजरा वगैरह जुंगर अजन घर में टाइम आ गया अब तो मैं हिसाब से थोड़ा पानी भी दर्द पानी चलो बहुत बहुत बढ़िया मिट्टी का बर्तन बना हाँ मिट्टी बना हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जो ज्यादा गहरा भी ना अकेला डूबना भी रहना चलो जो महिलाएं थी ना बहुत बड़ी चढ़ी भाग लेना अच्छा लोग समय निकाले ना
कुछ महिलाएं कि अब जागृत भी होना चाहिए है ना। मैं जागृत करना खड़ू होते ना पहले ब्लू रिपोर्ट दो ना कि भाई वक्त चलो यहाँ चलो यहाँ कार्यक्रम हो बिल्कुल तो दिख जाए तो एक प्रति मतलब तो और जागरूक होंगी कि यार हम और बेचारे ना मेला ले तो कम ही कारण वो गांव जरूरी है। चलो बहुत बहुत आभार आपको, धन्यवाद धन्यवाद। सबसे पहले वैसे आपको गौरव दिवस की ढेर सारी बधाई आपको भी। तो कल लगनो आज डबल ले जाना बढ़िया लग रहा है। और मैं तो पिछले 3-4 सालों से कुकरेती जी को देख रहा हूँ, उनके घर भी गया था फर्स्ट टाइम। बिल्कुल 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 हाँ, घर से भी वितरित करते हो डब्बे घर, क्योंकि एज ए स्वतंत्र पत्रकार मैं काम करता हूँ। अच्छा आप जनता की आवाज़, ठीक है जनता की आवाज़ देखते रहते हैं। कुकरेती जी बहुत महान काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं बिल्कुल, ऐसी चीज पे वो काम कर रहे हैं जिसके बारे में हम भूल गए थे जो विलुप्त हम छोटे थे तो चिड़िया की जो चहचहाट सुनते थे आज वो विलुप्त हो रही है, काम कर रहे हैं। अब धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है और ये देखिए फ्री में वो शुल्क बांट रहे हैं मैथ्स के टीचर होने के बाद। बिल्कुल, बहुत बड़ा काम है, एक प्रेरणा के स्रोत है। बिल्कुल बिल्कुल एक प्रेरणा का स्रोत है, समाज प्रेरणा का स्रोत है। और आगे इनको मैं तो ये चाहता हूँ कि इनको पद्मश्री या इस प्रकार से जरूर कुछ ना कुछ कुछ पुरस्कार जो उनका काम है। बिल्कुल, तो बहुत बहुत आभार वैसे आपका, थैंक यू। तो सबसे पहले नमस्कार है और गौरव दिवस के ढेर सारी आप तो शुभकामना, आप बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज जानिए गौरव दिवस सर आप डब्बा भी ले जाना छो, तो आप पहल दाल जाना छो डब्बा या पहल भी गर्म छे ना डब्बा पहलवार ले जाना छो। हाँ जी, लेकिन गौरव हमारे एक बहुत रंदी गौरव रंदी क्या हमारे पेड़ पौधे ज्यादा थी ना। जी 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 जी, पेड़ पौधों में ज्यादा और भी थी बहुत सारा और भी पक्षी वाला चिड़िया भी थी। जी 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 जी, और हमारे पड़ोसियों को लगाया पिछले साल का बहुत ये खिबड़े कुबरे थे जी घर बड़े लिए उनके लगा रखे 9-10 डब्बे लगा रखे उनका बड़ा घर है ना। अच्छा जी जी, बहुत सारे। तो आपने मतलब प्रेरणा ली पड़ोसियों से भी कुकरे जी से भी की मैंने भी चकलों को देती हूँ। आप बताओ जरा आप लगाए अच्छे डब्बा लगाओ और पेड़ पौधा राला तो निश्चित तौर पर गौरैया भी राला किले पहले इन है ना पहले हम लोग को कच्चा मकान रहे कच्चा मकान मतलब गौरैया दी कखन भी अपन घोसला बनाए दी जाए जब बटे सीमेंट और कंक्रीट का मकान बन शुरू गौरैया विलुप्त होगी मतलब और जब बटे ये रासायनिक खाद जो इस्तेमाल आया तो वे से हमारे पशु पक्षी बहुत ज्यादा नुकसान आए। तो मैं तो यही अनुरोध कर दूं कि आप खेती करें बहुत अच्छी लेकिन जब पहले हम जैविक खाद का इस्तेमाल कर दछाया जन पहले आप घर बोल हाँ मतलब जो गाय पल तो छाई तो बिल्कुल बिल्कुल वैसे देखो पर्यावरण से भी नुकसान नहीं होगा पशु पक्षियों से भी नुकसान नहीं होगा मनुष्य से भी मनुष्य तो इस्तेमाल मतलब जो अनाज होना बोलना मतलब तो शुद्ध होना मतलब बीमार होगा नहीं होना केमिकल से हाँ बीमार। और जब बेटे हम रासायनिक खादों का इस्तेमाल करना चाहूँ पेड़ पौधों से अब कीटनाशकों का इस्तेमाल करना चाहूँ जी जैसे कि हर नाना प्रकार बीमार होना चाहिए ना रोगी जो जीव छी जो की वो बिल्कुल विलुप्ति का कगार पर थी ना। लेकिन ये बहुत बहुत धन्यवाद करनु बहुत बढ़िया जी मतलब एक भगीरथ प्रयास है ना और एक मसाले चलना चाहिए मतलब समाज में कि भाई चलना चाहिए और हम तो आत्मसात करनु बिल्कुल बिल्कुल वास्तव में अपने वास्तविक जीवन में भी थोड़ा आत्मसात करूँ तो मैं आपने बहुत बहुत धन्य समझूँ कि जीव जंतु दीदी जरा एक चीज और पूछने चाहते हैं कि आप घर की बात कर रहे हैं ना बहुत बड़े घर यो चाहिए।